हेमवती नंदन भोगुना गढ़वाल विश्वविद्यालय हॉस्टल हॉस्टल की बात करेंगे। देखिए जिस तरीके से अभी आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं उसका पहले प्रोस्पेक्टर आया था, उसके बाद आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, ठीक उसी तरीके से हेमवती नंदन भोगुना गढ़वाल विश्वविद्यालय का ये छात्रावास सूचना विवरणी का एवं आवेदन पत्र है 2020-21 का, यानी हॉस्टल इन्फॉर्मेशन वाउचर एंड एडमिशन फॉर्म 2020-21। जिस आवेदन पत्र को ये फिल करने की बात कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, 2020-21 का ये एप्लीकेशन फॉर्म है हॉस्टल के लिए। इस तरीके से इन्होंने फॉर्म निकाला था, इसको फिल करके वहां पे सबमिट किया गया होगा। ये इस फॉर्म का प्रारूप है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा इसके अंदर क्या क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, ताकि आप भी अपने आने वाले समय के लिए तैयार रहें और ये इन्फॉर्मेशन आप प्रिपेयर करके रख लें कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले नंबर पर इन्होंने यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स दिए हैं, हॉस्टल फॉर गर्ल्स दिए हैं। पहले नंबर पर जो हॉस्टल है उसको देख लेते हैं, अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल है, बिरला कैंपस श्रीनगर में है, 3 सीटर है ये आपका, 56 बेड है यहाँ पर। उसके बाद आपका भगीरथी गर्ल्स हॉस्टल है, ये चौरास कैंपस में है, 3 सीटर है, 150 बेड है यहाँ पर। उसके बाद मंदाकिनी गर्ल्स हॉस्टल है, ये चौरास कैंपस में है, 2 सीटर है और 86 बेड है यहाँ पर। गंगा हायर स्टडीज हॉस्टल है, चौरास कैंपस में है, 2 सीटर है, 28 बेड है यहाँ पर। नंदा देवी रिसर्च हॉस्टल है, चौरास कैंपस में है, 1 सीटर है ये, 50 बेड है यहाँ पर। यमुना गर्ल्स हॉस्टल है, चौरास कैंपस में है, 3 सीटर है ये और 200 बेड है यहाँ पर। सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल है, चौरास कैंपस में है, 2 सीटर है और 50 बेड है यहाँ पर। गर्ल्स हॉस्टल है बीजीआर कैंपस में है, 2 सीटर है और 50 बेड है यहाँ पर। सबसे लास्ट में जो दिया गया है वो बाल गंगा गर्ल्स हॉस्टल है, एसआरटी कैंपस टीरी में है, 4 सीटर है, 96 बेड है यहाँ पर। बॉयज हॉस्टल भी देख लेते हैं, देखिए बॉयज हॉस्टल में जो पहले नंबर पे है वह चुकुम्बा बॉयज हॉस्टल है, बिरला कैंपस में, 3 सीटर है, 84 बेड है यहाँ पर। त्रिशूल बॉयज हॉस्टल है, बिरला कैंपस में, 2 सीटर है यहाँ पर, 70 बेड है यहाँ पर। बाबू जगजीवन राम बॉयज हॉस्टल है, बिरला कैंपस श्रीनगर में, 2 सीटर है ये, 38 बेड है यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद हॉस्टल से ये चौरास कैंपस में, 2 सीटर है ये, 90 बेड है यहाँ पर। आर्यभट्ट रिसर्च हॉस्टल है यहाँ पर चौरास कैंपस में, 1 सीटर है, 47 बेड है। श्रीदेव सुमन हॉस्टल है चौरास कैंपस में, 2/3 सीटर है, 110 बेड है यहाँ पर। बॉयज हॉस्टल है ये बीजीआर कैंपस पौड़ी में, 2 सीटर है, 90 बेड है यहाँ पर। त्रिहारी बॉयज हॉस्टल है ये एसआरटी कैंपस में, टीरी में है ये, 3 सीटर है, 284 बेड है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आपको देखना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, हॉस्टल आपको मिल सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा वहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। पहले नंबर पर इन्होंने लिखा है छात्रावास में प्रवेश हेतु उन्हीं छात्रों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो विश्वविद्यालय में कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों कक्षाओं में प्रवेश पा चुके हों। यानी कि अगर आपका एडमिशन हो गया है 1 साल से ज्यादा के कोर्स में या 1 साल के कोर्स में तो ही आपको हॉस्टल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि आपकी जो मिनिमम अर्हता है यानी कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है आपके जिन कक्षाओं और जिन पाठ्यक्रमों में आपने प्रवेश लिया है वहां पे 55% आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर आपके 55% से नीचे मार्क्स हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट दे दी जाएगी यानी 50% हो जाएंगे। जिन छात्रों के माता पिता विश्वविद्यालय परिसर से 5 किलोमीटर की दूरी की परिधि के अंदर रहते हैं, यानी कि आपके माता पिता अगर 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं हॉस्टल के, तो आपको छात्रावास नहीं दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो पूर्णकालिक अंशकालिक तदर्थ अस्थायी रोजगार में हो उनको छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो पूर्व में दुर्व्यवहार अनुशासनहीनता रैगिंग या विश्वविद्यालय के छात्रावास के नियमों का पालन न करने के कारण छात्रावास से निष्कासित किए गए हों, यानी कि आप वहां पे रहते आ रहे हैं और किसी कारण से आपको बाहर कर दिया गया था, अब आप दोबारा अप्लाई करेंगे हॉस्टल के लिए तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। छात्रावास में प्रवेश निर्धारित मापदंडों के आधार पर निकाली गई वरिष्ठता सूची के आधार पर किए जाएंगे, यानी आपका एडमिशन होगा उसके बाद आपकी वहां पे मेरिट लगेगी, उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। और जो शोध छात्र हैं, शोध छात्रों के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय शोध विशिष्टता पर ध्यान दिया जाएगा, यानी उनको प्रेफरेंस मिल सकता है। पीएचडी के लिए इन्होंने जो लिखा प्री पीएचडी एमफिल पीएचडी के छात्रों को सीटों का आवंटन विभागों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा जो ये पीएचडी वालों के लिए लिखा है यहाँ पर। जिन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश प्रदान किया जाएगा उनका नाम मुख्य छात्रावास कार्यालय के परिसर के सूचना पटों पर प्रदर्शित किया जाएगा, यानी वहां पर आपका नोटिस बोर्ड पे लिखा जाएगा जिनको छात्रावास मिल गया है, यानी ऑनलाइन उसकी लिस्ट शायद ना आए। जिन छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा उन्हें छात्रावास शुल्क की अंतिम निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। यदि आपको प्रवेश मिल गया है तो आपको जो लास्ट डेट दी गई होगी फीस जमा करने की उससे पहले पहले अपना शुल्क जमा करना पड़ेगा। अगर आपने लास्ट डेट के बाद अपना परीक्षा शुल्क जमा किया या जमा करने गए तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। छात्रावास में प्रवेश एक समय में एक ही शिक्षा सत्र के लिए दिया जाएगा। जिस छात्र को एक बार प्रवेश दिया जा चुका है उसे पाठ्यक्रम पूरा होने तक अन्य वर्षों में छात्रावास में प्रवेश हेतु वरीयता दी जाएगी, यानी आपको एक ही सत्र के लिए हॉस्टल दिया जाएगा, उसके बाद अगले सत्र के लिए आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा, दोबारा से आवेदन करना होगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे रहते आ रहे थे तो आपको वरीयता दी जाएगी बशर्ते छात्र ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तीसरा, प्रत्येक छात्र को शिक्षा सत्र की समाप्ति पर छात्रावास पूर्णतः खाली करना होगा और आगामी सत्र में छात्रावास में प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करना होगा, यानी कि आपको शिक्षा सत्र खत्म होने के बाद आवास खाली करना होगा और
दोबारा से अप्लाई करना होगा। देखिए बात करते हैं एनुअल फीस की, जो आपको एनुअल फीस जमा करनी पड़ेगी अपने हॉस्टल की वो क्या होगी। जो बॉयज के लिए जो फीस है उसमें एडमिशन फीस रखी गई है 30 रुपए, आई कार्ड की चार्जेस है 40 रुपए, कॉजन मनी है 1000 रुपए, रिकॉर्ड बुक नील है, टोटल 1070 रुपए हो गए। उसके बाद रिसर्च बॉयज हॉस्टल के लिए 1070 हो गए। गर्ल्स फॉर गर्ल्स हॉस्टल देखिए इनकी जो फीस है 1100 रुपए हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 30 रुपए जो है रिकॉर्ड बुक चार्ज है। उसके बाद फी फॉर रिसर्च गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी 1100 रुपए रखी गई है। फी फॉर हायर स्टडीज गर्ल्स हॉस्टल उनके लिए 1100 रुपए रखी गई है। अब ये जो फीस है ये आपको वन टाइम डिपॉजिट करनी होगी एक साल में एक बार, और इसमें जो आपकी 1000 रुपए मनी है ये रिफंडेबल मनी होगी, ये आपको वापस मिल जाएगी जब आप हॉस्टल छोड़ के जाएंगे। अब इसके बाद क्या आपकी इतनी फीस है? नहीं, इतनी फीस नहीं है, इसमें कुछ फीस और भी है आपकी। देखिए उसके बारे में बात कर लेते हैं और क्या क्या फीस होगी इसमें। अब ये देखिए मंथली फी फॉर द हॉस्टल, ये जो मंथली फीस है ये आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ये कैसे होगी इसको समझ लीजिए आप। 3 सीटर अकोमोडेशन है, यानी कि जो रूम का रेंट है यहाँ पे 100 रुपए है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 60 रुपए है, कॉमन रूम जो है 25 रुपए है, स्पोर्ट्स फी जो है 25 रुपीज है, अदर एम्यूनिटीज चार्जेस जो है वो 30 रुपए, यानी टोटल जो है 240 रुपए हो गए। 240 रुपए आपके एक महीने के हो गए हैं। देखिए 240 रुपए आपके एक महीने के हो गए हैं, आप 12 महीने रहेंगे तो आपको 2880 रुपए फीस लगेगी 3 सीटर की। तो 3 सीटर की आपकी फीस हो जाएगी 2880 रुपए, ऊपर वाले 1070 से अलग अगर आप बॉयज हैं, और गर्ल्स हैं तो 1100 रुपए से अलग, 1100 रुपए वो और जोड़ लीजिएगा इसमें। मान लीजिए हम हायर लेके हम इसको बॉयज के लेके लेके चलते हैं तो 1070 रुपए अगर हम और जोड़ दें तो लगभग 4000 रुपए आपकी साल भर की फीस होगी हॉस्टल की। आगे चलते हैं, अगर अब आपने 3 सीटर ना लेके 2 सीटर लिया है तो आपकी फीस हो जाएगी 280 रुपए। तो 280 × 12 कर लीजिए आप, 3360 रुपए। तो इसमें हम हायर देख लेते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 1 सीटर भी है, 1 सीटर की आपकी 360 रुपए है, और जो हायर स्टडीज गर्ल्स हॉस्टल है उसकी 430 रुपए है। तो 430 × 12 किया आपने, 5160 रुपए हो गए, और 1100 रुपए आपकी एनुअल फीस है तो 6260 रुपए हो गई आपकी फीस। यानी आप नॉर्मली एक एवरेज निकालें तो आप 5000 रुपए में हॉस्टल में एक साल के लिए आपका खर्चा हो गया है। एक साल की जो आपकी फीस है लगभग आपने, मैंने कैलकुलेशन दिखा दी आपको, 3 सीटर के लिए 240 × 12 कर लीजिए, ऊपर वाली जो फीस है एनुअल वाली वो उसमें ऐड कर लीजिएगा, तो ये आपकी हो गई फीस। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, जो मैस है वहाँ पे उसका भी अगर चार्जेस आप दोगे तो लगभग 2500 रुपए या 2600 रुपए या 3000 अराउंड आपका मंथली उसका खर्चा हो सकता है आपका, जो खाने पीने का होगा, यानी वो और ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए 16 नंबर पे इन्होंने लिखा है, छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पूर्ण सत्र यानी एक वर्ष की जो फीस है वो इकट्ठी जमा करनी होगी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। सत्र के मध्य में यदि कोई छात्र छात्रा स्वयं ही छात्रावास खाली करता है या करती है तो उसको किसी भी दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा, क्योंकि आपने साल भर का शुल्क जमा कर दिया है। अब आप अगर चाहेंगे बीच में छोड़ के चले जाएं तो आपको पैसे वापस मिल जाएं, वो नहीं मिलने वाले। सभी छात्रावासों में भोजनालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए मैस की व्यवस्था सहकारिता के आधार पर की जाएगी, कोऑपरेटिव के आधार पर की जाएगी। देखिए महाविद्यालय में छात्रावास में आवास के नियम और निर्देश, यहाँ पे नियम भी दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पे चाकू, लोहे की छड़, जंजीर, लाठियां ये सब चीज लेके नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, मादक द्रव्य यानी शराब वराब नहीं पी सकते हैं, ना आप वहाँ पे रख सकते हैं, आपके खिलाफ दंडात्मक पुलिस कार्रवाई कर दी जाएगी। छात्रावास में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं लेके जा सकते, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सब लेके नहीं जाएंगे। कोई भी आप विद्युत उपकरण, जेवरात, बहुमूल्य धनराशि है वो नहीं लेके जाएंगी। गर्ल्स को विशेष तौर से जेवरात लेके नहीं जाने हैं। छात्रावास में किसी भी प्रकार के विद्युत उपकरण, जैसे कि आप हीटर लेके चल दिए सर्दी में, आप हॉट प्लेट लेके चल दिए, इमर्सन रोड लेके चल दिए गर्म पानी में नहाने के लिए, तो वो सब लेके नहीं जा सकते, वो बैन है बिल्कुल। छात्रावास में कक्षाओं में खाना बनाना पूर्णतः वर्जित है। छात्र छात्राओं के माता पिता, स्थानीय अभिभावक एवं निकट संबंधी जो आसपास के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अगर आपसे मिलने आएंगे तो कार्य दिवस में 4 बजे से 5 बजे के बीच में ही मिल सकते हैं, और रविवार को अवकाश के दिनों में या तो छुट्टी के दिन या फिर रविवार के दिन वो 11 बजे से 5 बजे तक छात्रावास में आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है जी, लड़कियों के लिए जो टाइम है छात्रावास में, शीतकाल में 5:30 बजे आपको हॉस्टल में आ जाना है, यानी कि सर्दियों में, गर्मियों में आप 7 बजे तक आ सकती हैं। लड़कों के लिए टाइमिंग में चेंज है भाई, शीतकाल में आप 7 बजे तक आएंगे और ग्रीष्मकाल में आप 9 बजे तक आएंगे, यानी परीक्षा समाप्ति के 5 दिन के अंदर अपना छात्रावास खाली करना होगा, पहली बात ध्यान रखिएगा। ग्रीष्मकाल में यानी कि जो गर्मियों की छुट्टी होगी उसमें छात्रावास पूर्णतः बंद होंगे बिल्कुल, अगर आप वहां पे रहना चाह रहे हैं तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी तभी आप रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। नीचे एंटी रैकिंग कमेटी है और एंटी रैकिंग कमेटी के कुछ नियम कानून है, इनको भी पढ़ लीजिएगा आप। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये इस बार भी आपका इन्फॉर्मेशन वाउचर आ सकता है हॉस्टल का, इसको आप ध्यान रखिएगा, रीड करते रहिएगा, वेबसाइट पे जाके चेक करते रहिएगा, जैसे ही आएगा उसके बाद ही आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी शायद कुछ मदद हो सके। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।